पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर ऑन स्मूथ सरफेस ऑफ एन इन्वर्टेड कोन एज शोन. द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ सर्कल अबव वर्टेक्स इज एच. स्पीड ऑफ द पार्टिकल शुड बी. यहाँ पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ये कोन के ऊपर कर रहा है और इस कोन की यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है आर और ये जो वर्टिकल हाइट है वर्टेक्स से ये है एच और ये एंगल कोन बना रहा है थीटा. तो हमको इसकी स्पीड निकालनी है राइट. तो इसकी एफ बी डी बना लेते हैं. तो मैंने क्या करा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए यू रिक्वायर अ सेंट्रिपिटल फोर्स. विदाउट दैट यू कैन नॉट डू सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन तो यूँ लगेगी सरफेस के नॉर्मल तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ जाएगी. अब क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है राइट. अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल भी तो थीटा बनेगा. तो ये वाला थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा हो जाएगा. तो ये अगर एन है तो ये आपके पास आ जाएगा एन कॉस थीटा और ये आ जाएगा एन साइन थीटा. ठीक है. तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? एन साइन थीटा. यही फोर्स इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है. तो एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि एम वी स्क्वायर बाय आर है. ठीक है. और वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर लग रहा है एन कॉस थीटा और नीचे लग रहा होगा एम जी. तो यहाँ पे लिख लेंगे एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी. दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो. एन से एन कैंसिल. साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन. यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर बाय आर जी बचेगा. टेन थीटा की वैल्यू आ गई ना अपने पास. अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है. इस ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं हम लोग टेन थीटा की वैल्यू. तो ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा परपेंडिकुलर. ये हो जाएगा बेस. तो टेन थीटा एच बाय आर के भी बराबर है. तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं. तो एच बाय आर बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी. तो सॉल्व करने पे एच हो जाएगा वी स्क्वायर बाय जी यानी कि वी हो जाएगा रूट जी एच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.